हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्यू चैनल। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ टेंडर के रिलेटेड। आज का टॉपिक है डिफेंस। यस, डिफेंस जो हमारी आर्मीज है वहाँ पे कितना काम है, वहाँ पे कितना टेंडर अवेलेबल है, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत लगती है, उन सब के लिए टेंडर्स निकलता है। जैसे कि मैंने बोला था कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए टेंडर ही निकाला जाता है। तो आज हम देखेंगे डिफेंस कि डिफेंस में कितना काम है, कितना वर्क अवेलेबल है। तो जाने से पहले वीडियो की तरफ, जो मेरे नए व्यूअर्स है अभी तक उनको उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली जो भी नए वीडियोज़ है आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज की वेबसाइट की तरफ, न्यू वेबसाइट की तरफ, डिफेंस। तो सीधा मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल पे टाइप करना है डिफेंस, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिफेंस टेंडर। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था इसके लिए मेरा जल्दी दिखा रहा है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये है, देखिए, डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इनका वेबसाइट है। ये सिमिलर है जैसे मेरा एक टेंडर का मैंने वेबसाइट आपको रिव्यू किया था, IOCL वाला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसा सेम साइट है ये। सिर्फ यहाँ पे डिफेंस है, वहाँ पे इंडियन ऑयल है, तो सिमिलर है। तो चलते हैं हमारे टेंडर की तरफ। यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आज है 5 तारीख। 5 तारीख में कितने टेंडर्स निकल देते हैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम लोग एक टेंडर ओपन करके देखेंगे कैसा है। ये देखिए 5 मई को कितने टेंडर निकले हैं दिन भर में, 10 टेंडर यहाँ पे हो गए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। 10 और 10, 20 हो गए। थर्ड पे पे चलता हूँ। देखिए अभी तक 5 मई ही चल रहा है यहाँ पे डेट, जो कि आज का डेट है। यहाँ पे भी 30 टेंडर्स हो गए टोटल। फोर्थ पे दिखाता हूँ आपको, फोर्थ पे भी पूरा टेंडर्स है, इट मीन्स अभी 40 हो गए टेंडर। अभी हम लोग चलते हैं फिफ्थ पेज पे। 40 में भी और ऐड हो गए 10, 50 टेंडर। आप सोच सकते हैं कि कितने टेंडर्स दिन में निकलते हैं डिफेंस में से, तो बाकी वो तो बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी से वहाँ से कितने टेंडर्स निकलते रहेंगे। आप उससे ही, मतलब जो नए बिजनेस है, न्यू ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनको यही बहुत हो जाएगा कि टेंडर्स के जॉब मिलना और वर्क मिलना। देख लीजिए, मैं तो ऑलरेडी अभी बंद कर रहा हूँ, 70 टेंडर्स इधर ही हो गए, 5 में आगे नहीं जा रहा हूँ, तो सीधा मैं यहाँ से आगे जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ गया मैं। आपको एक जस्ट टॉपिक दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कवर होता है। टोस्टेड है, सोयाबीन है, देखिए चीज़ है, बेसन है, जो हमारी रोज की जो लाइक कंज्यूमर्स गुड्स है वो इनको सब लगते हैं। सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी लाइक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर फूड के रिलेटेड, केमिकल के रिलेटेड, सब चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती है डिफेंस में, तो उनका टेंडर निकलता है। तो चलिए मैं आपको एक टेंडर ओपन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टेंडर ही ओपन कर लेता हूँ, सोयाबीन का टोस्टेड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये इसका पेज हो पे ओपन हो गया, इसको NIT बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं टेंडर का डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। इसका स्टार्टिंग डेट 5 तारीख, मतलब आज ही टेंडर यहाँ पे लॉन्च हुआ है 6:55 पे। ओके, तो उसका बिड सबमिशन एंड डेट है 11 मई को। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेंडर्स का एक नोटिस है, ये भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है और ये भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। तो आपको मैं फर्स्ट ये दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। सीधा आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो सामने वर्ड्स दिया है ये वाला, तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट के बाद वही वापस पेज ओपन हो जाएगा, बट इस बार अभी ये आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए अभी डाउनलोड हो गया यहाँ पे, तो सीधा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, PDF फाइल। ये देखिए सप्लाई ऑफ टोस्टेड सोयाबीन। ओके, तो ये है टेंडर का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक, मतलब इनको क्या चाहिए। बाकी का डॉक्यूमेंट आपको डिटेल, जो भी लाइक टेंडर्स के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो बाजू जो नीचे
ये था VOQ था, टेंडर डॉक्यूमेंट, आपको डिटेल टेंडर डॉक्यूमेंट का आपको चाहिए तो मैं भी अभी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। डाउनलोड एज ए जीप फाइल, तो ये जीप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, तो ये ओपन हो गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ RFQ, RFP है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रहता है मोस्टली, जनरली RFQ बोलते हैं उसको। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरा ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये है इनका डिटेल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट कवर पेज में क्या क्या चाहिए, डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल उन्होंने दी देती है, ऑलरेडी दे देते हैं वो लोग, तो हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे अच्छे से। देखिए 500 kgs का रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर गुड्स हो गया ये, यहाँ पे लिखा है, मैंने जितने भी आपको मैंने वीडियोस दिखाए थे उसमें EMD था, बट इट में EMD नहीं है, एनए लिखा है यहाँ पे। बिड का वैलिडिटी, जो आप लाइक आप जो कोटेशन दोगे उसका वैलिडिटी कितना होना चाहिए, तो 60 डेज है, होना चाहिए मिनिमम। तो ये डॉक्यूमेंट मैं अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हम लोग आ गए यहाँ पे हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट पे। अभी सिंपली अभी ऐसे अभी यहाँ पे कोट कैसे करना है, अभी आपका टेंडर सबमिट कैसे करना है, तो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन आईडी एंड कैप्चा दिखा रहा है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मीन्स आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन। एक बार आप वेंडर रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लोगे तो जितने भी टेंडर्स यहाँ से निकलेंगे आपके रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, आपको नोटिफिकेशन आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो सीधा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट पे। तो लॉगिन आईडी जो भी आपको रखना है, ईमेल आईडी आपका रख सकते हो, करस्पॉन्डर आईडी मतलब करस्पॉन्डेंस ईमेल्स मीन्स आपको जो भी कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो आप, मैं तो बोलता हूँ आपको सेम ही रख दीजिए लॉगिन आईडी एंड ईमेल आईडी। फिर आप मोबाइल नंबर डालना है, कंपनी नेम इंडिविजुअल करें तो आपका नाम आएगा, प्रेफरेंशियल्स आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्टर एड्रेस आएगा, नेम ऑफ द पार्टनर डायरेक्टर आपका खुद का ही नाम डाल दीजिए चलेगा, इंडियन है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पोस्टल कोड, पैन कार्ड, इस्टेब्लिशमेंट, ईयर, जो भी आपका बिजनेस का रहेगा, नेम ऑफ द बिजनेस, लीगल स्टेटस क्या है, लाइक आप पर पार्टनरशिप्स है, जॉइंट वेंचर्स है, लिमिटेड है, मैं सीधा अदर आपको बोलूँगा अगर छोटी मोटी कंपनी यहाँ पे ट्रेडर है या फिर आप इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक वाइज सब डिटेल डाल के यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। तो आपको आपके मेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आपका ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा, ईमेल आईडी कंफर्म होने के बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से जाके आप यहाँ पे डाल सकते हो और ये टेंडर्स कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला टेंडर की 3 कैटेगरी होती है, ओपन, लिमिटेड एंड सिंगल टेंडर। यहाँ पे आपको सब टेंडर मिलेंगे जो कि आप कोट कर सकते हो। तो इस टेंडर में देखा मैंने कि हर एक जो भी बिजनेसमैन है, छोटा से लेकर बड़ा तक बिजनेसमैन, सबके लिए यहाँ पे काम है। तो गाइस प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता आपके लिए टेंडर निकल जाए, या फिर नए जो लाइक नए बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ये एक अच्छा वेबसाइट है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो मुझे पूछ लीजिए, मुझे कमेंट्स कर लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टेक्निकल वीडियो के साथ या फिर कुछ नया आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।